हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 11.4 क्लास प्लस वन है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 पहले 6 क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है, हमें वर्टिसेस ऑफ हॉकी निकालने हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ हॉकी निकालने हैं, और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है ना। इक्वेशन क्या दी हुई है, सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्केयर अपॉन 16 माइनस वाई स्केयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 है ना। अब देखो इसमें हमें थोड़ा सा एक याद रखना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं स्टूडेंट्स को कहा कि आप इसको क्रैमिंग करो, फोकाई क्या होती हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, एसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए है ना, ऐसा कुछ याद करना आपने है ना। तो आपने क्या करना है, देखो एलिप्स में क्या होता था, एलिप्स में ऐसी इक्वेशंस होती थी, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1। अगर एक्स स्केयर अपॉन 36 आ गया प्लस वाई स्केयर अपॉन 16 आ गया, तो हमें पता था कि वहां पे ए ग्रेटर देन बी होता है हमेशा, ए ग्रेटर देन क्या होता है बी। तो हमने एक्स स्केयर का डिनोमिनेटर चेक कर लेना, वाई स्केयर का डिनोमिनेटर चेक करना है, अगर ये इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सिंपल सी बात है ना। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी है ना, पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमें कि कौन कौन सी इक्वेशन हमने की हैं, ठीक है, इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमें। अब ये इक्वेशन है, देखो दो ही फॉर्म्स होती है इक्वेशन की, एक तो ये एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1, और वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है ना, ये होती है। अब देखो ये किसके, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसके साथ कंपेयर कर दो है ना। तो अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ए स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 4, और बी स्क्वेयर क्या आ गया 9, और बी कितना आ गया प्लस माइनस 3। देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया हमने, ठीक है, ये इक्वेशन से मैच हो रहा था ना, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर। तो अब यहाँ पे ए कितना आ गया प्लस माइनस 4, बी कितना आ गया प्लस माइनस 3। तो अब फोकाई के जो वर्टिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, देखो अब यहां से थोड़ा सा आपको देखना है ना। अब देखो मैंने ये कहा था एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर, अगर एक्स स्केयर का कोफिशियंट ए है, एक्स स्केयर का कोफिशियंट क्या है ए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके जो फोकस के वर्टिसेस हैं, फोकस के सॉरी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, फोकस कहां पे लाई कर रहा है, फोकस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, और जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा उसका पहले क्या आएगा पॉइंट, वाई क्या रहेगा 0 रहेगा। मेरी बात समझो दोबारा से, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर, अगर एक्स स्केयर के नीचे ए स्केयर है, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो उसका फोकस है, जो उसका क्या है फोकस, वो कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अगर वाई स्केयर के नीचे ए स्केयर है तो इसका मतलब उसका फोकस कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ये पॉइंट याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको ये मैं, है ना। तो अब ये क्या हो गया, अब मुझे नहीं याद इसका कि 0 सी और ए 0 क्या होता है फोकाई है ना। अब यहां पे आपने आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा सी। सी हम कैसे निकालते थे, हमने एक रिलेशन पढ़ा था बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, और यहां से क्या निकालना मुझे सी स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। अब किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू निकालनी है तो निकाल दो यहां से सी की वैल्यू, बी कितना है, बी इज व्हाट 3, 3 3 9 प्लस ए कितना है 4, 4 4 16 और इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया 25, तो सी कितना आ गया प्लस माइनस 5 आ गया, ठीक है, ये ए की वैल्यू भी आ गई बी की वैल्यू भी आ गई। अब वो मैंने आपको बता दिया कि एक्स कहां, एक्स स्केयर के नीचे ए स्केयर है, तो इसका मतलब उसके जो फोकस है वो किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर जब कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका क्या आएगा, वाई 0 आएगा, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया फोकाई प्लस माइनस, सी कितना है 5 प्लस माइनस 5, 0 ये आ गया। वर्टिसेस ए कॉमा 0 है ना, तो ये ए रहेगा, ए ए कितना है प्लस माइनस 4, 0 ये आ गया। अब
ई कितना है, सी अपॉन ए होता है ना, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ये कितना आ जाएगा 5, ई कितना हो गया प्लस, ये प्लस में ले लिया वैल्यू दोनों 5 ना, अपॉन ए कितना है 4, 5 अपॉन क्या आ गया 4, और ये मैंने बोला था कि ये नेवर लेस देन 1, कभी लेस देन 1 नहीं होगी, तो देखो ये 5 अपॉन 4 है, इट इज नॉट लेस देन 1। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b² अपॉन a, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 2 × b² की वैल्यू क्या थी, b² 9 था, 9 लिख दो, अपॉन a, a कितना था, a 4 था, तो 4 लिख दो, 2 × 2 = 4, तो ये क्या हो गया 9/2। ये चार ही चीजें हमने निकालनी थी, इसको देखो ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, सो नोट इट डाउन। वैसे तो देखो सारे ये सेम है 1, 2 लेके 6 तक, फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको फिफ्थ और बताऊंगा, है ना। अब ये देखो, सबसे पहले तो मुझे इसको चेंज करना है, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर क्या होता है 1, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 36, तो यहाँ पे 1 लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 36 करना पड़ेगा। देखो ना इधर 36 है, मैंने इससे कुछ नहीं लेना, इनसे लेना है पहले, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, तो 1 करने के लिए क्या करता हूँ, डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन बाय 36 माइनस 9x² / 36 इज इक्वल टू 36/36, ये तो क्या हो गया जी 1। अब यहाँ पे 9 × 4 = 36, अब ये क्या आ गया, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट भी 1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि अब इसको मैं किसके साथ कंपेयर करने वाला हूँ, देखो y² / a² - x² / b² इज इक्वल टू 1, क्योंकि y पहले आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी y² / a² - x² / b², ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, व्हाट वी शुड डू, क्या करना पड़ेगा, देखो इधर, अब यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे 1 लेके आने के लिए मैं ऐसे लिख दूं इसको, y² / 36/5 लिख दे, देखो देखो ये ऊपर जाएगा ना, तो 5/36 ही तो बन जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर जाएगा, तो 5 क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा, -x² / 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर कर दो, a² इज इक्वल टू क्या है, देखो a² ये देखो ये इसकी इक्वेशन बन रही है ना यार, ऐसे y² आ गया, तो इसके साथ कंपेयर करो, a² इज इक्वल टू क्या है 36/5, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +/6/√5, ठीक है, और b² क्या आया, b² इज इक्वल टू 4 है, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया +/-2 आ गया, ठीक है, ये a आ गया, ये क्या आ गया b आ गया। अब पहली c निकाल लो ना, c² इज इक्वल टू क्या होता है a² + b², ठीक है, अब c² इज इक्वल टू a कितना है, व्हाट इज a, a² कितना 36/5 + b² कितना था 4, तो ये क्या हो जाएगा c² इज इक्वल टू एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 5 36 + 5 = 20, तो c² इज इक्वल टू 56/5 हो गया, ठीक है। अब 56 के देख लो फैक्टर्स बन रहे हैं, यस, तो व्हाट इट विल बिकम, इसको क्या लिख दोगे आप, c इज इक्वल टू +-14 4 होता है और 7 8 56 करोगे तब भी आ जाएगा 2, उसका 12 आ जाएगा 7, हाँ तो ये क्या आ जाएगा 2√14/5 ये रह जाएगा ना, यही रह जाएगा, ठीक है, 14 4 = 56, ठीक है, ये रह गया। अब सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू इज इक्वल टू +2√14/5, ठीक है, ये आ गया, समझ आ गया आपको ना जी। अब देखो इसका क्या लिखना था हमने, फोकाई, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई बोलते हैं, सो ना प्लूरल है उसका फोकस का, फोकाई, तो वो देखो अब यहाँ पे ये किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, y² / a² - x² / b² इज इक्वल टू 1। देखो अब इसका a, देखो a कहाँ पे है, y के नीचे, तो इसका मतलब जो इसके फोकस के वर्टिसेस हैं, ये कैसा हाइपरबोला बनेगा, ऐसे बनेगा ना भैया, ऐसे ऐसे बनेगा ये, तो इसके फोकस कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर, तो जब ये वाई एक्सिस के ऊपर आएगा तो पहले x क्या आ गया 0 और ये क्या हो गया c आ गया +-, ऐसे ये 0 एंड कॉमा +-a, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। तो फोकाई क्या आ गया,
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, जीरो प्लस माइनस ई, तो ये क्या आ गया जीरो कॉमा प्लस माइनस टू अंडर रूट 14 अपॉन 5। एक तो ये हो गया, फिर वर्टिसेस क्या आ गए, वर्टिसेस क्या होते हैं जीरो ए प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए कितना था 6 बाय अंडर रूट 15, ये आ गया। उसके बाद इसका क्या निकालना था हमें, ई ई इज इक्वल टू क्या है सी अपॉन ए, सी कितना था 214 अपॉन 5 अपॉन ए, व्हाट वाज ए, ए क्या था 6 बाय 5। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन सी करनी पड़ेगी है ना, ये था ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ये सी था, तो अब ये क्या हो गया 214 अपॉन 5 इनटू ये ऊपर चला जाएगा 5 अपॉन 6 है ना, तो 2 3 6 और वो क्या हो जाएगा 14 5 70 अपॉन 5 3 50, ये आना चाहिए ना। इसको और सॉल्व कर सकते हो 35 70 नहीं बस यही आएगा है ना, ये आ गया। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो क्या था 2b² अपॉन a, तो 2 × b² की वैल्यू क्या थी 4 अपॉन a कितना था भैया 6 बाय 15, 6 बाय 100, तो ये क्या हो गया 8 × 15 अपॉन 6, तो 2 4 2 3, तो ये क्या आ गया 4 × 15 अपॉन 3, ये आ गया लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आई थी इसकी सेंट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन ये 1 से लेस तो नहीं आ रही यार, 1 से लेस 8, ये तो 1 से लेस आ रही है, कहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने, 214 अपॉन 5 अंडर 5 अपॉन 3 15 और नहीं आएगी यार। ठीक है, ये ज़्यादा ही आएगी, कोई बात नहीं है ना, तो ये हो गया। अब नोट इट डाउन, एक मिनट, यहाँ पे ना मैंने गलती कर दी, मैंने आंसर चेक किया तो आंसर रॉन्ग था ना, कैसे, सुनो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, एक हमने ये यहाँ पे गलती कर दी होगी मेरे ख्याल से, मैंने सी निकालने में अंडर रूट नहीं डाला है ना, ये चेक कर लेते हैं अभी, वो भी मुझे यहाँ से पता चल गया यार, ये क्योंकि ये क्या आ रही थी लेस देन 1 नहीं ना आनी चाहिए, लेस देन 1 आ रही थी ना, मैं बोल भी रहा था, मुझे ऐसे लगा कि शायद ये बड़ी आएगी ना, चलो कोई नहीं। अब सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है ना, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर जो आया था 36/5 आया था, प्लस बी स्क्वेयर क्या था 4, तो अब यहाँ पे क्या था सी स्क्वेयर इज इक्वल टू हमने क्या किया था 36 + 20/5, तो सी इज इक्वल टू क्या आया था 100, सी क्या आएगा 56/5 आया था, हाँ मैंने ये गलती की थी, पहले चेक कर लेना, सी स्क्वेयर था तो सी इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 56 अपॉन अंडर रूट 5 आना है, और ऊपर तो क्या आया 2 √14 अपॉन अंडर रूट 5, ये आना था। ठीक है, ये मिस्टेक की थी मैंने। ठीक है, आप भी पेपर में ऐसे कर देते हो ना, सर कहते हैं अरे गलती कैसे कर देते हो, खुद भी तो कर देते हो है ना कोई बात नहीं, लेकिन बेटा अपने एग्जाम में बैठना है। ठीक है, सर ने एग्जाम में नहीं बैठना, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो इसकी और। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आ गया। अब सी तो सबसे पहले फुकाई था, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा, बस ये था। ठीक है, तो 2 √14/5, तो वर्टिसेस क्या आ गए, वर्टिसेस ए आया ना, ए कितना आ रहा था, ए 6 √5 था यार, ये पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया, ये 0 ± ये होता है ना अंडर रूट 5 था ये है ना। अब उसके बाद इसेंट्रिसिटी क्या थी, इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए, सी ये था अंडर रूट 5 था, अपॉन ए था अंडर रूट 5 था, अंडर रूट 5 बैठ जाएगा 2 3 6, तो अंडर रूट 14 अपॉन 3 आ गया है ना। अब दूसरा वो क्या था 2b² अपॉन ए, तो ये खुद कर लेना यार। ठीक है, चेक कर लिया करो आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ सम, आगे सिक्स्थ है, ये भी सेम है ना। अब सिक्स्थ के बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। यस, अब देखो नेक्स्ट सम 9th है ना, हमें इक्वेशन बनानी है, क्या बनानी है, 7 से लेके 15 तक सारे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस है ना।
अब एक हाइपरबोला की कंडीशन बनानी है जहाँ पे इसके फोकाई ये दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस ये दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो प्लस माइनस ए, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी होगी जी, थ्री होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी। और यहाँ पे फोकाई क्या होते हैं, फोकाई जीरो प्लस माइनस सी, तो सी कितना हो गया जी, फाइव हो गया, सीधी सी बात है ना। अब ए पता है, सी पता है, बी निकालना है, तो सबसे पहले तो वो सी स्क्वेयर इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये याद रखना। और एलिप्स में क्या होता था, ए स्क्वेयर इजिकल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये एलिप्स में होता है, ठीक है। अब ये देखो सी स्क्वेयर, सी तो फाइव है, फाइव का स्क्वेयर कितना हो गया, ट्वेंटी फाइव, इजिकल टू ए का स्क्वेयर कितना है, नाइन, प्लस बी का स्क्वेयर निकालना है, तो ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन इजिकल टू बी स्क्वेयर, तो ये कितना आ गया, सिक्सटीन इजिकल टू बी स्क्वेयर, बी इजिकल टू प्लस माइनस क्या आ गया, फोर आ गया जी। यहाँ तक तो बात होगी खत्म, ए पता लग गया, बी पता लग गया, सी पता लग गया, ठीक है। अब इक्वेशन देखो, दो इक्वेशन होगी, या तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इजिकल टू वन होगी, या वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इजिकल टू वन होगी। देखो यहां से आपने पहचान करनी है, और कुछ भी नहीं है, तो कैसे करोगे, मैंने बोला था अगर एक्स स्क्वेयर के नीचे ए स्क्वेयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या था कि जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे ए है ना, यहां से पता चलता है। देखो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर अपॉन क्या है, ए स्क्वेयर। अगर ये इक्वेशन होगी तो इसका जो फोकस होगा है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, फोकस किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ऐसे लाई करेगा है ना, इसके ऊपर, तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा एफ वन, है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी माइनस सी कॉमा जीरो, सी कॉमा जीरो, पहले एक्स आएगा ना, ये आएगा। अब इसकी इक्वेशन ये होगी, लेकिन यहां पे फोकस क्या रखे हैं, जीरो प्लस कॉमा फाइव, तो ये कब आएगा, अगर ये देखो, अब इसका मतलब एक्स एक्सिस जीरो प्लस माइनस फाइव है, तो जब ये होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स किसके, देखो ए है ना, वाई, वाई अपॉन ए स्क्वायर, तो इसका मतलब जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स किसके ऊपर लाई करते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर, तो जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसका जीरो और ये क्या आएगा, जीरो प्लस माइनस सी आएगा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बनेगी ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन बनी, तो इसमें अब वैल्यूज पुट कर दो बस, और कुछ नहीं है, इसमें क्या पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, तो ये क्या आ गया, वाई स्क्वेयर अपॉन ए, ए कितना था, ए हमारा था थ्री, तो ये क्या आ जाएगा, नाइन, माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन क्या था, बी, बी कितना था, बी प्लस फोर था, तो सिक्सटीन आ गया, इजिकल टू क्या आ गया, वन आ गया, ये इक्वेशन आ गई, चेक कर लो ये, ठीक है, चेक कर लो, ये सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, ठीक है, ये चेक कर लेना बेटा, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, ये मैंने नाइन्थ करके दिखाया है। अब ऐसे ही टेंथ है, इलेवंथ है, ट्वेल्थ है, थर्टीन है, ये सारे सेम है, तो मैं एक आध और करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तब तक नोट कर लो। नाउ इलेवंथ सम, इलेवंथ में देखो कंजुगेट एक्सिस की लेंथ क्या दे रखी है, 24, और यहाँ पे फोकस फोकी फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जीरो कॉमा प्लस माइनस सी होता है, सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 13, और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2b इज इक्वल टू 24, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब b पता है, c पता है, तो क्या निकाल दो, a निकाल दो, तो a कैसे निकलेगा, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सी मतलब 13 का स्क्वेयर 169, ए स्क्वेयर निकालना है, बी 144 हो जाएगा ये बी का स्क्वेयर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस है, तो ये 25 रह जाएगा इधर आके माइनस हो गए, ठीक है, ए स्क्वेयर ए इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 5 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन कौन सी होगी, ये देखो ना, ये फोकस फोकाई क्या है, देखो जीरो प्लस माइनस ए, ये किसके ऊपर लाई कर रहे हैं यार, ऐसे कहाँ पे, ऐसे वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसी के ऊपर ये होगा ना, ऐसे होगा तो यार तभी होगा ये होगा ना जीरो प्लस माइनस सी, ठीक है, तो ये ऐसे होगा, अगर ऐसे एलिप्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। इस बात का ध्यान रखना भैया, अगर वाई के नीचे ए स्क्वेयर आ रहा है, वाई स्क्वेयर के नीचे ए स्क्वेयर होगा, तो इसका मतलब
जो फोकस होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर है। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है ए स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका जो फोकस होगा किसके ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, है ना। जे मैं जनरल ये एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, ये वाई एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना था, ए स्क्वायर 25 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी कितना था 12, तो 144 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ गई जी इसकी। ये था 11th सम, सारे सेम है यार, 12th भी ऐसे ही है, लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है ना 12th और 30 में से मैं एक बता देता हूँ ना, सो नोट इट डाउन।